क्या करना है आपको, जैसे इस मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया है तो आप अपने मन से नाम देना लेट ए करके, और हमें फाइंड आउट करने को फैक्टर क्वेश्चन है फाइंड को फैक्टर। तो फिर पहले लेट ए नाम देना, लेट एम आई जे सी आई जे ए आई जे बी द माइनर को फैक्टर, ऐसे लिखना। ये वाला सेंटेंस कॉमन सेंटेंस है, वी नो दैट ए कॉमन फॉर्मूला ए आई जे माइनस वन आई प्लस जे एम आई जे। अब ए इलेवन हमेशा माइनस वन वन प्लस वन और एम इलेवन, हाँ ए इलेवन है तो एम इलेवन माइनस वन का स्क्वेयर, एम इलेवन कितना होता है देखो, एम इलेवन एम इलेवन तो एम इलेवन पर यहाँ पे उंगली रखना है, रखी रो कॉलम छोड़ना, ये यहाँ पे रखो ना, कितने बचे फाइव माइनस टू माइनस फोर सिक्स, अब माइनस वन का स्क्वेयर वन होता है सिक्स, फाइव का थर्टी माइनस फोर टू जो एट कितना हुआ थर्टी माइनस एट ट्वेंटी टू ऐसा। अब ट्वेंटी वन माइनस वन वन प्लस टू एम ट्वेल्व, सबका फॉर्मूला माइनस वन वन प्लस थ्री एम थर्टी क्या है माइनस वन टू प्लस वन एम ट्वेंटी वन, ए ट्वेंटी वन तो एम ट्वेंटी वन, ए थर्टीन तो एम थर्टी माइनस वन ये टू प्लस टू, सबका ऐसे ही करके रख देना ठीक है, माइनस वन ये टू प्लस थ्री और एम ट्वेंटी थ्री माइनस वन थ्री प्लस वन एम थर्टी वन माइनस वन थ्री प्लस टू एम थर्टी वन। देखो हर एक का फॉर्मूला एक जैसा ही, थ्री थ्री है तो थ्री प्लस थ्री, थ्री टू है तो थ्री प्लस टू एम थर्टी थ्री। और अब इसके बाद शुरू करो, जैसे कि माइनस वन का क्यूब है ना एम ट्वेल्व, ये ट्वेल्व है, ट्वेल्व का रो कॉलम छोड़ दो, कौन बचा फोर माइनस टू माइनस वन सिक्स, माइनस वन का क्यूब कितना होता है माइनस वन, सिक्स फोर का ट्वेंटी फोर, टू वन का टू कितना है माइनस वन और ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी, माइनस वन का क्या होगा अभी पावर फोर एम थर्टीन, थर्टीन पर रो रखो रो कॉलम छोड़ दो, कौन बचा फोर फाइव माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का देखो इवन पावर रहा तो वन आंसर आता, ये माइनस सिक्सटीन है माइनस, ये माइनस फाइव है ये माइनस सिक्सटीन फिर माइनस, इसका माइनस फाइव होता है ऐसा, लेकिन माइनस माइनस क्या प्लस, तो कितना होगा माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव, सिक्सटीन में से फाइव या इलेवन माइनस इलेवन, तो आंसर है माइनस इलेवन। तो इस तरीके से पूरा एंडिंग तक आप सबको सभी करना है कंप्लीटली, माइनस वन का क्यूब एम ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन ये है ट्वेंटी वन, रो कॉलम छोड़ो रो और कॉलम ट्वेंटी वन, कौन बचा टू माइनस थ्री माइनस फोर सिक्स, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व कितना आया जीरो। तो ये देखो ये ट्वेल्व है माइनस, इसका भी कितना आया फिर चाहिए, अब बताओ कितना होगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो, जीरो इंटू किया तो जीरो जाएगा ठीक है। इस तरीके का आप करना, अगर आपको भी इसमें परेशानी रही हाँ तो आप में से कोई बाकी इसका एक वीडियो डाल सकते हो ठीक है नहीं, हाँ एम ट्वेंटी टू पावर फोर, हाँ ट्वेंटी टू पर उंगली रखो रो कॉलम छोड़ दो, ट्वेंटी टू का ये ट्वेंटी टू है, इसका रो कॉलम छोड़ दो, वन माइनस थ्री माइनस वन सिक्स, ये ट्वेंटी टू है ना रो और कॉलम छोड़ दे, ये चार और ये माइनस वन का पावर फोर वन, सिक्स वन का सिक्स माइनस थ्री वन का थ्री ये प्लस थ्री है, वन इंटू ये वन है सिक्स माइनस थ्री 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 वन का थ्री ठीक है, ये ट्वेंटी टू हो गया, ट्वेंटी थ्री माइनस वन का पावर फाइव टू प्लस थ्री और ट्वेंटी थ्री ये ट्वेंटी थ्री, रो और कॉलम छोड़ दो, वन टू माइनस वन माइनस फोर, वन टू माइनस वन माइनस फोर, बोलो माइनस वन का पावर फाइव ऑड पावर रहा तो क्या आंसर आता है माइनस वन जाता है, और इसका कितना होगा बोलो इसका फोर वन का फोर माइनस फोर, फिर माइनस का साइन देना, फिर क्या करते इन दोनों का, इन दोनों का कितना होगा टू इंटू माइनस वन माइनस टू ऐसा, इन दोनों का माइनस फोर फिर माइनस का साइन,
इन दोनों का माइनस करो, माइनस टू क्या होगा प्लस टू, कितना होगा माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, टू बन जाए टू प्लस टू, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस वन का पावर क्या होगा थ्री प्लस वन फोर, और ये हम थर्टी वन, थर्टी वन पर उंगली रखो, रो और कॉलम छोड़ दो, कौन बचा टू माइनस थ्री फाइव माइनस टू। अब बताओ माइनस वन का पावर फोर वन होता है, टू टू जा फोर माइनस फोर, ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव जा फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन पर है, ये माइनस फिफ्टीन होगा, ये प्लस कर दो ना, और कितना माइनस फोर प्लस फिफ्टीन इलेवन, इलेवन बन जा इलेवन। अब बताओ माइनस वन का पावर फाइव, थर्टी टू पर उंगली रखो, ये थर्टी टू, रो और कॉलम छोड़ दो, वन माइनस थ्री फोर माइनस टू, माइनस वन का पावर फाइव माइनस वन, टू वन द टू माइनस टू मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस फोर थ्री द माइनस टू है ना, तो ये क्या होगा प्लस टू, ये कितना होगा टेन, माइनस ट्वेल्व और माइनस टू टेन, और टेन वन द टेन माइनस टेन प्लस माइनस माइनस, ये थ्री प्लस थ्री क्या होगा सिक्स, थर्टी थ्री, थर्टी थ्री पर उंगली रखो रो और कॉलम छोड़ दो, कौन बचा वन टू फोर फाइव, वन टू फोर फाइव, देखो इवन पावर रहा तो वाला चांस रहता है, फाइव वन जा फाइव फोर टू जा एट, ये सभी कोफैक्टर इस तरह से आपको करने हैं, और उसके बाद है कौन सा, ये वाला कौन सा सेक थीटा है ना, अभी एक ट्रिग्नोमेट्री वाला मैट्रिक्स है जिसके हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, पहले उसको लेट ए नाम देना, फिर ये कॉमन सेंटेंस, ये मैंने माइनर कैपिटल यानी कोफैक्टर, ए आई जी यानी स्मॉल एलिमेंट, ये सब एलिमेंट को स्मॉल ए आई जी बोलते हैं इन मैट्रिक्स से, वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमेशा कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, हमेशा माइनस वन इन दोनों का एडिशन पोजीशन का और उसी का माइनस। अब बताओ ए इलेवन लिया तो एम इलेवन आएगा माइनस वन का पावर वन प्लस वन, ए ट्वेल्व आया तो क्या होगा हमेशा माइनस वन, देखो हर फॉर्मूले में माइनस वन है फॉर्मूला है ना, और इन दोनों का एडिशन वन प्लस टू, और उसी का एम ट्वेल्व माइनर, ए थर्टीन है तो एम थर्टीन, ए ट्वेंटी वन है तो एम ट्वेंटी वन, ए ट्वेंटी टू एम ट्वेल्व, ऐसा हर एक का, ठीक है। अब करो माइनस वन का स्क्वेयर एम इलेवन, इलेवन पर उंगली रखो रो कॉलम छोड़ दो, ये चार उंगली है, बोलो माइनस वन का स्क्वेयर वन होगा क्या होगा सिक्स स्क्वेयर थीटा, सिक थीटा सिक थीटा, टेन इंटू टेन क्या होगा टेन स्क्वेयर थीटा, आपको एक बार पता नहीं कि सिक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर कितना होता है, बोलो सिक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर क्या होता है, लगे तो आप यहाँ पे लिख देना, कैसे लिख देना वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा होता है सिक्स स्क्वेयर, ये बेसिक फॉर्मूला लगे तो लिख देना, वन प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है सिक्स स्क्वेयर, तो सिक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर क्या तो बनेगा ना, ये टेन स्क्वेयर उधर क्या तो माइनस नहीं होगा, तो सिक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर वन होगा। चलो बताओ माइनस वन का क्यूब कितना होता है माइनस वन है ना, और बताओ ट्वेल्व पर भी रखो ट्वेल्व पर दो कॉलम छोड़ दो, कितना होता है जीरो टेन, जीरो टेन जीरो से, अब बताओ सिक्स इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो कितना है जीरो, जीरो ने मल्टीप्लाई किया तो जीरो जाएगा, थर्टीन माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री एम थर्टीन, माइनस वन का पावर फोर थर्टीन पर उंगली रखो थर्टीन, थर्टीन का रो और कॉलम ये थर्टीन ये थर्टीन, इसका रो और कॉलम टू जीरो से एक जीरो टेन जीरो से जीरो, माइनस वन का पावर फोर वन, टेन इंटू जीरो सेक इंटू जीरो कितना हुआ जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या होता है जीरो, जो है तो आंसर जीरो आएगा, ट्वेंटी वन है तो माइनस वन का पावर टू प्लस वन, और ये ट्वेंटी वन है तो एम ट्वेंटी वन, माइनस वन का क्यूब, ट्वेंटी वन पर उंगली रखो रो और कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम जीरो जीरो टेन से, बोलो क्या होगा माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये जीरो मल्टीप्लाई किया तो टेन इंटू जीरो जीरो, ये जीरो इंटू माइनस वन जीरो, ट्वेंटी टू माइनस वन का पावर ये ट्वेंटी टू प्लस टू, ए ट्वेंटी टू है तो एम ट्वेंटी टू, बताओ माइनस वन का पावर फोर एम ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू पर उंगली रखो इसका रो और कॉलम जोड़ दो, कॉलम जोड़ दो रो छोड़ दो, वन जीरो जीरो से, बोलो माइनस वन का पावर फोर सेक इंटू वन से जीरो इंटू जीरो जीरो,
ये वन है sec माइनस जीरो से, ये sec माइनस जीरो sec इंटू वन से, बताओ माइनस वन का पावर टू प्लस थ्री और ए 23 है, pm 23 23 है, लोअर कॉलम छोड़ोगे इसका लोअर कॉलम 100 है, अब बताओ है ना भाई माइनस वन का पावर जो है ऑड पावर रहा तो वन माइनस वन आता है ऑड पावर का, टेन इंटू वन टेन, जीरो इंटू जीरो जीरो, टेन माइनस जीरो टेन, टेन इंटू वन टेन, प्लस माइनस माइनस पर माइनस टेन, अब 31 माइनस वन का पावर 3 प्लस वन ए 31 तो एम 31 माइनस वन का पावर 4 कितना है 1 और एम 31 31 करो ले लो ये 31 इसका लोअर कॉलम जीरो 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 सिक्स टेन है जीरो जीरो सिक्स टेन, अब बस माइनस वन का पावर 4 1 10 इंटू जीरो सिक्स इंटू जीरो जीरो इंटू वन जीरो 32 माइनस वन 3 प्लस 2 और ए 32 तो एम 32 माइनस वन का पावर 5 एन 32 32 पर उंगली रखो इसका लोअर कॉलम छोड़ दो कॉलम छोड़ दो 100 100 अब बताओ माइनस वन का पावर 5 क्या होता है माइनस वन ऑड पावर रहा तो माइनस वन 10 इंटू वन 10 जीरो इंटू जीरो जीरो 10 माइनस जीरो क्या होगा 10 अगे प्लस माइनस जीरो की मतलब थोड़ी है 10 जीरो 10 इंटू वन 10 प्लस माइनस 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 10 माइनस वन का पावर 3 प्लस 3 ए 33 है तो यह 33 अब माइनस वन का पावर 6 एम 33 33 पर उंगली रखो कौन बचा रोअर कॉलम जोड़ दिया तो 100 से इवन पावर रहा तो प्लस वन आंसर आता है सेक इंटू वन से 0 0 0 0 सेक माइनस जीरो सेक आंसर आया सेक का इस तरह से हर प्रॉब्लम करते रहना।